बिन बुलाए ही आ गए थे मेहमा सारे, एक वो ही बेबस बेजुबां पड़ा था। इश्तेहार आएगा तब जब हगामे नजाओ का वक्त, हगामे नजाओ का मतलब होता है इंतकाल का वक्त, मतलब टाइम ऑफ डेथ, प्राण निकलने का समय। इश्तेहार आएगा तब जब हगामे नजाओ का वक्त आएगा, रूठा है तो तू कैसा रूठा है, रूठा है तो तू कैसा रूठा है, क्या तू आएगा जब जनाजे का वक्त आएगा। अच्छा अगला शेर पे आता हूँ। खिलौने टूट जाते हैं बचपन रूठ जाते हैं, खिलौने टूट जाते हैं बचपन रूठ जाते हैं, कुछ अपने रहते हैं दिल में, कुछ अपने रहते हैं दिल में, कुछ पीछे छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया। एक ये है कि जब लोग गुजर जाते हैं तो उसके बाद बीतती क्या है इंसान पर, उसको देखते हुए कि गए कहाँ मरहम लेने दवा खानों में, गए कहाँ मरहम लेने दवा खानों में, बेवजह ही गए दुआ लेकर चार दीवारों में, बेवजह ही गए दुआ लेकर चार दीवारों में, प्रकृति का लिखा तो बदलना ना था, अंत में तो सबको मरना ही था, प्रकृति का लिखा तो बदलना ना था, अंत में तो सबको मरना ही था, कुछ अपने दफन तो कुछ राख हो गए, कुछ अपने दफन तो कुछ राख हो गए, एक हम ही महज जिंदा लाश हो गए। थैंक यू। ये भी उसी से रिलेटेड है कि वो कहते और मैं हाथ ना बढ़ाता, वो कहते और मैं हाथ ना बढ़ाता, ऐसा तो ना देखा था ना सुना था, वो कहते और मैं हाथ ना बढ़ाता, ऐसा तो ना देखा था ना सुना था, बिन बुलाए ही आ गए थे मेहमान सारे, बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए ही आ गए थे मेहमान सारे, एक वो ही बेबस बेजुबां पड़ा था, एक वो ही बेबस बेजुबां पड़ा था, वो अपने रास्ते चल पड़ा था, वो अपने रास्ते चल पड़ा था, मैं वहीं तन्हा खड़ा था, कुछ तो बात थी ना उसके प्यार में, कुछ तो बात थी ना उसके प्यार में, मैं बेवजह थोड़ी रो पड़ा था। अगला शेर है कि उसके झूले में झूल रहे हम, उसके उसके झूले में झूल रहे हम, कुछ तो भूल रहे हैं हम, खुद कफस में छोड़, कफस मतलब कैद जेल, खुद कफस में छोड़ आए हैं दिल अपना, अब कफस की चाबी ढूंढ रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया।